अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं समीर सैयद नज़र इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हमारे पास एक मुस्तकीम नामक व्यक्ति खड़े हैं जिनकी कुछ दिन पहले मुमरा पुलिस ने बाइक की चाबी ले लिया था, क्योंकि लॉकडाउन में ये घूम रहे थे, ये किसी कारण से कहीं जा रहे थे, उस वजह से जो है मुमरा पुलिस ने इनकी चाबी ले लिया था और उसके बाद इनको उठा करके एक दिन के लिए लॉकअप में भी लेकर के गए थे, जहाँ पर इनके कहे अनुसार मुमरा पुलिस ने इनको जो है लाठियाँ भी बरसाईं, इनको मारा भी और उसके बाद भी इनको ना चाबी दिया ना इनका मोबाइल दिया। दूसरी चीज़ इनकी ये है कंप्लेंट कि ये जो मुंबई में रह रहे हैं ये आज़मगढ़ के रहने वाले हैं और इनका ये है, ये कहना है कि इनका नाम मुस्तकीम है लेकिन यहाँ पर ये शरीफ नाम के नाम से रह रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस इनके पीछे हाथ धो करके पड़ी हुई है। जिसका क्या कारण है कि इनके पीछे यूपी पुलिस हाथ धो के पड़ी, आइए हम इनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? मुस्तकीम नाम है, आज़मगढ़ के रहने वाले हम। क्या प्रॉब्लम हुई आपके साथ में? कुछ दिन पहले आपकी बाइक की चाबी पुलिस वाले लेके चले गए थे जी, जिसकी वजह से आपको कुछ सारी प्रॉब्लम दी जी, और उसके लिए आपने जो है पुलिस वालों को भी बोला था, लेकिन उसके साथ में पुलिस वालों ने आपको चाबी दिया या नहीं दिया? एक्चुअली उस दिन क्या हुआ ना, मैं आ रहा था तो मेरे ऊपर लाठी मार दिए पहले, और लाठी मारने के बाद चाबी निकाल के सीधा लेके चले गए, कुछ ना बोले ना कुछ जाचे। अपन हेलमेट वेलमेट सब लगाए हुए थे, मास्क भी लगाए हुए थे, अभी तो फिलहाल गमछा लिए हैं, रुमाल भी मुंह पे लगाए हुए थे, तो मार के चाबी सीधा लेके चले गए वो लोग। और उस दिन से 9 दिन हो गया है, अब पुलिस चौकी में जा रहे हैं, दौड़ा रहे, खाली उधर जाओ उधर जाओ, चाबी वहाँ मिलेगी, अमृत नगर मिलेगी, वहाँ पर मोबाइल मिलेगी, मोबाइल भी जमा है और चाबी भी नहीं दिए, गाड़ी आज 9 दिन से यहाँ पे खड़ी हुई है। अच्छा, पहले कुछ आपके साथ में ऐसे कुछ हादसे हुए थे जो आप बता रहे थे पहले की न्यूज़ में, कि आपके साथ कुछ ऐसे हादसे हुए थे जिसकी वजह से आप यहाँ पर जो है मुंबई में रह रहे हो, अपना नाम मुस्तकीम बना के शरीफ नाम से रह रहे हैं आप? शरीफ नाम से रह रहे हो आप, तो क्या वजह है आपके नाम बदली करने की? नाम बदली करने का वजह ये है कि एक्चुअली 2009 में अपन अपनी बहन के यहाँ गए थे, हाँ, तो वहाँ पे बहन का घर है गोरखपुर जिला बरहालगंज में, हाँ, दोहरी घाट, तो वहाँ पे अपनी बहन के पास गए थे, बहनोई का भाई हमको ले आके चला गया था घोसी, हाँ। तो वहाँ पे चोर लोग बुद्ध भगवान की मूर्ति चोरी करके लाके रखे थे, हाँ, तो अपन फिर वहाँ से आए देख के, तो बाज़ार में थोड़ा ड्रिंक कर लिए थे, तो अपनी बहन की बाज़ार में वहाँ पे गिर गए थे नशे में, हाँ। तो पुलिस वाले आके हमको उठाए, तो हमने पुलिस वाले को बताया और बताने के बाद वो बोले कि चलो हमें दिखाओगे, तो हमने ले जाके घोसी बाज़ार में उनका घर भी दिखाया और वो बुद्ध भगवान की मूर्ति भी बरामद करवाया हमने, और उसके साथ में हमारी पिक्चर भी बना के जेल में ढकेल दिए हमें। 1 साल फर्जी जेल रहा हूँ और उसके बाद से न जाने कितने 5-6 केसेस हमारे ऊपर लगा दिए, गांजा बेचने का, चोरी का, छिनैती का, तब से केस लगाते रहे, फिर इसीलिए हम गांव से भागकर आके मुंबई में रहने लगे नाम चेंज करके। यहाँ पर आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट है? यहाँ पे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, लाइसेंस है, हाँ, सब यहाँ पे बनाए हम। किस नाम से? शरीफ नाम से हमने बनाया है। ऐसे आपका रियल नेम क्या है? रियल नाम है हमारा मुस्तकीम। कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ जिला जीएनपुर थाना अंजान सहित गांव है हमारा। अच्छा, आपका आरोप ये है कि आपने जो है बुद्ध भगवान की मूर्ति बरामद भी करवाई, उल्टे आपके ऊपर ही केस लगा? हाँ, उल्टा अपने ही ऊपर केस लगा दिए। अच्छा, मुमरा पुलिस से क्या कम्प्लेन है? मुमरा पुलिस से ये कम्प्लेन है कि उस दिन मैं आ रहा था, लॉकडाउन का पालन तो सभी लोग कर रहे हैं, मास्क लगा रहे, बीमारी है सबको मालूम है कि बीमारी है, पर अपन आ रहे थे तो डायरेक्ट पुलिस वालों ने डंडा लाठी पीठ पे मार दिया और चाबी खींच के सीधा लेके चले गए, और आपको भी जमा कर दिया था? हाँ, फिर बाद में हमको भी आके उठा के लेके गए, यहाँ पे खड़े हुए थे तो हमको भी उठा के लेके गए, उसके बाद मारे हमको, हाथ पैर पे सर पे मारे थे, जो सब कुछ पूरा जो है सूझ गया था, बाकी वीडियो हमने उस दिन की बना के रखा है, हम नहीं चाहते थे कि मतलब कि हम फिर से कोई वो करें इनके खिलाफ, पर अब मजबूर हो गए हैं, 9 दिन से चाबी नहीं मिली है ना मोबाइल मिली है, 20,000 का मोबाइल ले लिया है और चाबी ले लिया हमारा। तो सरकार से क्या अपील है? सरकार से यही अपील है कि हमारे साथ इतना बड़बड़ता क्यों की जा रही है, इतनी जास्ती क्यों करी जा रही है, बस यही चाहते हैं हम। अच्छा, गाँव में जो लोग पड़े हैं उनके नाम मालूम है? गाँव में पुलिस वालों ने हमारे पीछे पड़े, और कोई व्यक्ति नहीं पड़ा हुआ है हमारे पीछे, गाँव की पुलिस पड़ी? हाँ, गाँव की पुलिस और गोरखपुर की पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। किसी केस के द्वारा पड़ी है या ऐसे ही? वही जो फर्जी केस लगे हुए हैं सब उसी के द्वारा, मतलब उसको कि हम उसमें फर्जी फंसे हुए थे और हमें मिटाना चाहते हैं वो लोग, हमें डर है इनसे, पुलिस वालों से और सरकार से भी हमें डर है। तो ये थे मुस्तकीम उर्फ शरीफ, जिनका कहना यह है कि इन्होंने यूपी में कुछ साल पहले 2009 में
गौतम बुद्ध की सोने की मूर्ति पुलिस वालों के हाथों पकड़वाई थी, लेकिन उस मूर्ति को पकड़वाने के आरोप में ये खुद भी अरेस्ट हो गए थे वहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ की पुलिस इनके साथ में बर्बरता कर रही थी, जिसके कारण ये वहाँ से भाग करके मुंबई आए और यहाँ पर नाम बदल करके रहने लगे। आगे की क्या सच्चाई है आपने उनके मुँह से खुद ही सुना। कैमरामैन वाहिद के साथ समीर सैयद, नज़र इंडिया न्यूज़।